टी20 वर्ल्ड कप एशिया रीजन फाइनल्स की कवरेज जो है वो हमारे चैनल पर लगातार जारी है और साथ साथ में नेपाल ट्रांजिशन सीरीज चल रही है उसे भी हम कवर कर रहे हैं और साथ साथ में जहां पर पूरे लगभग क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है वर्ल्ड कप में बिजी है वहां पर हमारी नजर नामीबिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज में बनी हुई जिसकी भी कल रात को पूरी मैच रिपोर्ट हमने आपके सामने प्रेजेंट की। तो कहीं ना कहीं कवरेज में लगातार डेल क्रिकेट आपके सामने 19 से 20 साबित रहा है और उम्मीद करेंगे कि लगातार आप हमें से सपोर्ट करते रहे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि अब एशिया की कवरेज जो है लगातार जारी रहेगी और बाकी सारी क्रिकेट एशिया क्रिकेट जो एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिकेट में लगातार उसकी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए कल हमने एक बात की थी बैटिंग यूनिट से रिलेटेड, चार टीम्स की, ओमान, यूएई, नेपाल और हांगकांग की, जो वीडियो हमने कल डाला था ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, इस वीडियो पे जाकर आप जाकर चेक कर सकते हैं और इस वीडियो को एक बार जरूर सुनिए कि बैटिंग यूनिट में किस तरह से टीम्स जो है तैयार हुई हैं अभी तक रीजनल फाइनल्स को देखते हुए, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं अभी तक, वो सब उस बैटिंग यूनिट में हमने समझाने की कोशिश की है, एक बार जाकर जरूर सुनिए और उसके बाद आप उससे एग्री करें डिसएग्री करें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अब यहाँ पर आज जैसे हमने कल कहा था कि आज बात करेंगे बॉलिंग यूनिट की, अब इन चार टीम्स की बॉलिंग यूनिट की किस तरीके की है रिजर्व फाइनल्स को देखते हुए और बॉलिंग यूनिट में प्रोज या कॉन्स कौन से हैं, स्पिन और पेसर्स में से क्या चीज ज्यादा किसी की स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, इस पर बात आज शुरू करेंगे और कितनी तैयार हो रही है वो रीजनल फाइनल्स, क्योंकि रीजनल फाइनल्स अब दस्तक देने ही वाला है, 2-3 दिन की बात है। तो सबसे पहले यहां मैं बात करना चाहूंगा ओमान से, इस बार शुरुआत ओमान से करते हैं। ओमान की बॉलिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो ओमान की बॉलिंग यूनिट को आप किस तरह से देखना चाहेंगे, कितने पानी में इस वक्त वो नजर आ रहे हैं और रिसेंट फॉर्म को देखें, आज से 10 साल पहले 5 साल पहले क्या किया था वो भूली बिसरी बातें हो गई, आज की डेट पर रिसेंटली अगर हम देखें तो उनकी फॉर्म, उनके पेसर्स, उनके स्पिनर्स किस तरह से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एशिया रीजनल फाइनल्स को देखते हो। जरूर देखिए, अगर हम बात करें ओमान की जी हाँ, तो यहाँ पर जो नई बॉल से जो बॉलर्स हैं जो विकेट्स निकाल तो रहे हैं, अभी रिसेंटली हमने देखा सीरीज में गल्फ चैंपियनशिप में भी हमने देखा जहां पर उन्होंने विकेट ले रहे हैं, जैसे बिलाल खान है, कलीमुल्ला है, फयाज बट भी कभी कभी आ जाते हैं, तो वो भी नई बॉल से तो नहीं लेकिन वो तीसरे बॉलर बन जाते हैं 6 ओवर के बाद या 7-8 ओवर के बाद वो आते हैं, लेकिन यहाँ पर ओमान के पास स्ट्रिक्टली 12 ओवर हैं जिसमें वो काम कर सकते हैं, जिसमें वो सामने वाली टीम का खेल बिगाड़ सकते हैं, बिलाल खान, कलीमुल्ला और जिशान मकसूद का ओवर, ये तीनों के जो ओवर हैं 4-4 ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखेंगे रीजनल फाइनल में कि ये कम रन भी दें और साथ ही ये कलीमुल्ला और बिलाल खान नई बॉल से शुरुआत विकेट लेकर शुरुआत दिलाए, क्योंकि अगर नहीं दिलाया बिलाल और कलीमुल्ला ने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, क्यों, क्योंकि जो अब बाकी के 8 ओवर हैं इन तीनों को हटाकर जो 8 ओवर है उसमें 100 रन भी पड़ सकते हैं, बिल्कुल ऐसी बॉलिंग है और कोई गारंटी नहीं है कि उस बॉलिंग में क्या होगा जब तक ये तीन कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, अगर इन तीनों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो ओमान की बॉलिंग स्ट्रगल करती हुई नजर आने वाली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये तीन अपनी बॉलिंग ये 12 ओवर जो है वो तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे निकलेंगे क्योंकि तीनों के पास एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है और कलीमुल्ला जो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए हमें दिखे थे लगातार यहाँ पर फिलहाल वो टच में नजर आ रहे हैं, जरूर उनकी फॉर्म वापस जरूर यहाँ पर आ रही है, तो बिलाल खान और कलीमुल्ला का बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो नई बॉल से रिदम में बने रहे और नई बॉल से विकेट जरूर चाहिए दें पावर प्ले के अंदर अंदर और सिर्फ एक विकेट से काम नहीं चलेगा, T20 में आप खेल रहे तो एक विकेट से काम नहीं चलेगा क्योंकि आपके पास यहाँ ज्यादा वक्त नहीं है अब मैच अपनी तरफ करने के लिए, तो आपको यहाँ पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम तो फिर आप जितने कर सके करना होगा पावर प्ले के अंदर अंदर, उसके बाद जिशान मकसूद आकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रेशर बना सकते हैं स्पिन के थ्रू उनकी अच्छी डिलीवरी स्ट्रेंथ सामने पे, अगर शुरू में विकेट नहीं मिले तो फिर ये जो लास्ट के जो 8 ओवर है इन तीनों के 12 ओवर हटा के जो 8 ओवर बाकी होंगे ये देखने में लगेंगे कि हाँ नहीं कोई ना कोई निकाल ही देगा लेकिन वो कोई ना कोई वाली बात होगी, इन 8 ओवरों में डेफिनेटली सामने वाली टीम अटैक करने की कोशिश करेगी इतना तो तय है, सामने वाली टीम को इतना पता ही होगा उनके, वो भी ये प्लान करके ही आएंगे, वो भी स्टडी करके आएंगे कि ये 8 ओवर इनके कोई ऐसे बॉलर जो या तो बिल्कुल टच में नहीं है आजकल रिदम में नहीं है या फिर बहुत ज्यादा उनकी जो लाइन है वो खराब रहती है या फिर वो पार्ट टाइम बॉलर, जरूर जय उड़ेदरा है जो कि स्पिनर भी है, आकिब रियास कराएंगे या अयान खान कराएंगे या मोहम्मद नदीम कराएंगे, तो देखिए कहां है 8 ओवर, किसी का फिक्स नहीं है 8 ओवर जैसे यहां पर है, तो ये स्ट्रगल करेंगे पूरी टीम की बॉलिंग लाइनअप स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी, बिल्कुल, और आकिब रियास जो आप देखते सोचते होंगे कि लगातार वो विकेट्स ले रहे हैं बॉलिंग करा रहे हैं, डेफिनेटली ये प्लेयर की बात होती है कि अब आप किस तरह से टैकल कर रहे हैं, अब होता क्या है क्या बाकी अब मान लीजिए किसी एक बॉलर ने या जो बॉलर ने बॉल रखी है जो बॉलर नहीं है स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है, आप ये भी देखना होगा कि वो शॉट्स कैसे खेल रहे हैं, बस यही है, अब ऐसे तो जो रूट को भी अहमदाबाद 5 विकेट मिल गए थे आपको याद होगा, तो वो रूट की काबिलियत नहीं थी वो पिच की काबिलियत थी, और लेकिन उसके बाद फिर कई कई जगह में हमने देखा कि रूट स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, तो ये है कि अब आप खुद ही विकेट दे देंगे तो आकिब इलियास का स्पेल ऐसा बन जाएगा अरे 4 विकेट ले गए 5 विकेट ले गए, ऐसा नहीं है, उन्हें भी टैकल किया
किया जा सकता है। प्रोफेशनल बॉलर स्पिनर और पार्ट टाइम बॉलर्स में कहीं ना कहीं बहुत फर्क होता है, और वो फर्क उन्हें बताएगा कौन, एक अच्छे क्वालिटी बैट्समैन जो रीजनल फाइनल में दिखेंगे, क्योंकि ओमान इस ग्रुप में, यहाँ पर नेपाल भी है, हरिचंद तरफ से जयदीप सिंह, सुरेंद्र जुल्फिकर वगैरह जैसे बैट्समैन भी है, और अगर रीजनल फाइनल में पहुंचे, सही फाइनल में पहुंचे तो वहां पर फिर यूएई के बैट्समैन वगैरह भी टेस्ट लेते हुए नजर आएंगे। खैर ये बात होगी, तो ओमान की जो कमजोर कड़ी है वो है उनके 8 ओवर, और जो उनकी स्ट्रेंथ है वो है अभी की बात करें रिसेंटली की, तो वो बिलाल और कलीमुल्ला जो अच्छे फॉर्म में आ गए हैं और रिसेंट टच में काफी बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका एक टच में एक सक्सेसफुल ना होना भी वो कहीं ना कहीं महंगा पड़ सकता है, तो नई बॉल्स उनको विकेट सरहाल में पावर प्ले में निकालने होंगे। ये बात हो गई ओमान के इस वक्त की बॉलिंग की, जिस तरह से उनकी चल रही है वो 8 ओवर इनके लिए सबसे बड़े सरदर्द हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट था इससे रिलेटेड, मैं चाहूंगा वो आप जरूर शेयर करें जिससे और ज्यादा अंदाजा टीम व्यूअर्स को लग सके। जरूर, देखिए अभी गल्फ चैंपियनशिप अफगान ओमान की हम बात कर रहे हैं, ओमान ने रिसेंटली अभी गल्फ चैंपियनशिप और अफगानिस्तान एक के खिलाफ T20 खेला है वहां पर, तो कुल मिलाकर 11 मैचेस खेले हैं अभी हाल में ओमान ने T20 के, तो यहाँ पर अगर देखें तो 75 विकेट ओमान ने निकाले हैं उन 11 मैचेस में सामने वाली टीम, तो यहाँ पर 7 पर मैच का एवरेज जो बैठता है वो 7 विकेट पर मैच का बैठ रहा है, यानी कि 7 विकेट टीम निकाल पा रही है सामने वाले की। ये एक ज़रूर है कि टीम ऑल आउट करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे जा रही है, ऑल आउट की तरफ कम बढ़ रही है, यानी कि जो प्लेयर है, जो बॉलर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, और टीमों का भी कंपेयर होगा ऐसे ही जब हम आगे बात करें। बिल्कुल, यानी क्लियर है ओमान ने अपने लास्ट 11 मैचों में 110 विकेट के मुकाबले सिर्फ 75 विकेट यहाँ पर उन्होंने निकाले हैं, और एवरेज जो है उनकी पर मैच 7 के अप्रॉक्स आप मान सकते हैं, ये ओमान की बात हो गई। लेकिन क्या ये अच्छा है या खराब है, ये अब कंपेयर तभी पता चलेगा जब हम बाकी 3 टीमों के स्टैट भी आपके सामने रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं होस्टिंग टीम यहाँ पर नेपाल की। नेपाल की बॉलिंग की अगर बात की जाए यहाँ पर, जैसे हमने अभी पिछले कहीं पोस्टमैच एनालिसिस में भी कहा था, जो आपने कहीं ना कहीं कहा था कि नई जो पेसर्स हैं नेपाल के वो काफी बेहतर कर रहे हैं, करण केसी हो, सो एक मैच ओवरऑल करण केसी और सोमपाल दोनों काफी बेहतर किया है इस ट्रांजिशन सीरीज में जो इस वक्त चल रही है, और उनका विकेट लेना हमें दिख रहा है उनका शुरू में विकेट लेना कितना ज्यादा फायदा दे रहा है बाद के बॉलर्स को भी, कि वो बांधे रखते हैं, क्योंकि जो ओपोनेंट टीम है वो कहीं ना कहीं शुरू में जल्दी विकेट्स गिर जाने की वजह से वो उस सेल में चली जाती है, जिसकी वजह से वो स्पिनर जो है वो आराम से अपने ओवर्स निकालकर जो बाकी बॉलर्स निकालकर लेकर चले जाते, जब तक वो उठते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तो ये काम तो वो बखूबी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ललित राजवंशी वहाँ पर उम्मीद है कि रीजनल फाइनेंस में इंक्लूड करेंगे, याद रखिएगा हम रीजनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं, उसके बाद संदीप लामी चाय ने उम्मीद है कि वो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन संदीप लामी चाय को वही है, फिर से वही हम कहेंगे कि उन्हें प्रैक्टिस नहीं मिल रहे, उन्हें मैचेज भी नहीं, वो एकदम से आते हैं उसके बाद सीधा टीम में ज्वाइन कर खेलने लग जाते हैं, तो ये कहीं ना थोड़ा बहुत बैट में कर लेते हैं, इंडोर वो बात अलग है, लेकिन इंडोर प्रैक्टिस करना गेम्स खेलना वो कहीं ना कहीं उनको बहुत फर्क होता है, तो वो देखना होगा कि वो वहां पर किस तरह से परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं। उनके स्किल पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो ये कि हर प्लेयर को, कितने बड़ा प्लेयर हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो चाहिए होती है, क्रिकेट है क्योंकि एक वक्त पे अब मान के चलिए आप 5 साल पहले रणजी खेला करते थे, उसके बाद 5-6 सालों तक आप घर बैठे हैं, मान के चलिए आप घर बैठे हैं, उसको अचानक से आप जाएंगे 7वें साल पर, आपका पहली बॉल में शायद डंडा निकल, बिल्कुल सही, क्यों, इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब प्लेयर हैं, नहीं, आप काफी वक्त से बैठे थे, थोड़ा सा आपको जंग लग गया, तो आपको थोड़ा खोलना पड़ेगा, थोड़ा फिटनेस प्रैक्टिस थोड़ा बल्ला घुमाना पड़ेगा, फिर एक आध महीने बाद आइए फिर आप वही प्लेयर नजर आएंगे, यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस पर आपकी क्या राय? नहीं जरूर, बिल्कुल, थोड़ा सा अगर बेहतर जितनी जल्दी हो सके, टीमें यहाँ पर थोड़ा ये है कि चलिए हाँ अपने साथी टीमें हैं, एसोसिएट, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर जो कम से कम ये है कि कम्पिटिटिव का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर यही हमने देखा कि कैसे फुल मेंबर्स के खिलाफ संदीप ने स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा, एक तो जो उनके साथ चल रहा है उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से भी बहुत ज़्यादा मेंटली सब कुछ है, मेंटली अगर आप वहाँ नहीं रहेंगे तो ख़त्म है, फिर सब खत्म हो जाती है बात, तो यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से वो अपने आप को, अब थोड़ा टाइम मिला है उन्हें, उन्होंने खुद मांगा था कि थोड़ा सा मुझे फैमिली के साथ टाइम चाहिए, तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है कि आप थोड़ा पर्सनल टाइम ले बिताएं, अब वो थोड़ा सा अब गेम में भी फोकस हमें शायद नजर जरूर आएंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उन्हें वक्त चाहिए था, वो उन्हें मिला है, अब वो गेम में फोकस करते हुए नजर जरूर आए। बिल्कुल, वहीं पर ललित राजवंशी की बात करें तो डेफिनेटली अच्छा हुआ कि उन्हें जो टीम ने जो एक मैच के बाद रेस्ट दिया, और कहीं ना कहीं क्योंकि उन्हें अच्छा चल रहे थे तो बेहतर होगा, रीजनल फाइनल जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट पर उनके ओवर बहुत जरूरी होंगे, तो ये 16 ओवर्स कहीं ना कहीं बेहतर रहने वाले हैं। शुरू जो सोमपाल करण के 4 और ललित के 4, 12 ओवर ये हो गए, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ संदीप लामी चाने के, यहाँ पर अगर 4 ओवर हो जाते हैं
अगर वो अगर अच्छे टच में नजर आते हैं तो फिर ये 16 ओवर निकालने बहुत मुश्किल हो जाएंगे सामने वाली टीम के लिए। एंड चार ओवर की यहाँ अगर हम बात करें, दीपेंद्र सिंह यहाँ पर हमें ओवर कराते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर वो एक्सपेंसिव जाते हैं कभी कभार अगर ऐसा होता है तो गुलशन झा भी हमें यहाँ पर नजर बॉलिंग कराते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ये चार ओवर फिर भी आपको कहना होगा थोड़ा बहुत रिलैक्सेबल जरूर होगा, लेकिन टी ट्वेंटी क्रिकेट ऐसा नहीं है किसी दिन शायद संदीप चले जाए किसी दिन शायद करण चले जाए, लेकिन फिर भी ये 16 ओवर नेपाल को बॉलिंग यूनिट से एक स्ट्रेंथ जरूर देंगे इन कंपेयर टू वो चार ओवर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए दिक्कत यहाँ है जो पेयर है सोमपाल करण का, इनमें से कोई एक एक्सपेंसिव गया, अविनाश बोहरा अगर एक्सपेंसिव चले गए और दीपेंद्र सिंह एरी को जो एक दो ओवर दिए जाते हैं वो एक्सपेंसिव हो गए तो थोड़ा सा यहाँ खेल बिगड़ जाएगा, यहाँ सामने वाली टीम जो है वो कहीं ना कहीं सामने पर चढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक दिक्कत जरूर है कि अगर इन केस अगर ऐसा होता है, क्योंकि जैसे हमने देखा करण जैसी करण गए तो टीम 160 पहुंच गई, जरूर जरूर टिकट पिच पिच की नीड और थी, वो तो और ज्यादा थी कि 180 190 जो पिच मांग रही थी वो यूएई वहां तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए ये हाल हुआ है। और नेपाल को देखिए इतनी आसानी से उन्होंने चेस कर लिया उसको। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहां पर ये थोड़ा पॉइंट आउट करने की जरूरत है कि सोमपाल करण अगर मैच है एक मैच में खराब चले जाते हैं, होप हो कि वो बस सेमीफाइनल मैच ना हो, यही दिक्कत है। एक नई बॉल से अगर जैसे हमने कहा है नई बॉल से अगर खराब शुरुआत मिली तो भी, और उसके बाद यहाँ अविनाश भरा है ओवर जो डेथ ओवर्स में आते हैं, सोच कर देखिए डेथ ओवर में अगर बॉलिंग खराब हो गई, अगर एक ओवर में 15-16 रन आ गए तब दिक्कत खड़ी हो जाती है क्योंकि आपके जो बॉलर थे वो तो करा के चले गए, टेंथ ओवर में कोई और करा रहा है वहाँ खेल बिगड़ेगा। और दीपेंद्र को ये ध्यान रखना है कि वो तो खैर रखते हैं खराब हो जाती है बॉलिंग, लेकिन ये टूर्नामेंट है यहाँ कंटिन्यूसली आपको फॉर्म में रहना है, बस यही दिक्कत है एक सीरीज का और एक टूर्नामेंट का। बिल्कुल यहाँ पर आपको लगातार फॉर्म में रहना है, रिदम में रहना है, चाहे कोई भी टीम हो, चाहे छोटी टीम हो चाहे बड़े से बड़ी टीम हो, सबके सामने रिदम में रहना है। तो दीपेंद्र सिंह यदि कोशिश करें कि अगर वो यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम लगातार वहीं डालें, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से कई बार देखा है वो डालते हैं तो एकदम पटकी हुई बॉल रह जाती है कभी कभार और छक्का गिरता है या तो फिर टॉस पड़ती है तो भी उसमें छक्का गिरता है, तो थोड़ा इस बात का ख्याल रखना। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं क्योंकि होता है कि मान के चलिए ऊपर के बॉलर्स ने एक अच्छा रिदम बना के रखा है और बीच में 2-3 ओवर ऐसे मिल गए उन्हें जिनमें रन्स आ गए, तो जो हम कहते हैं ना मोमेंटम जिसे हम कहते हैं वो मोमेंटम कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है बैटिंग यूनिट की तरफ और फिर टीम जो है फिनिश करने में ओपनिंग टीम बेहतर हो जाती है और कहीं ना कहीं जो बॉलिंग टीम है वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट, तो थोड़ी सी भी जगह वो जो चार ओवर्स की जगह है वो थोड़ी सी भी जगह यहाँ पर टीम किसी ओपनर को ना मिले, बस ये मेक श्योर करना है। और संदीप पे नजर रहेगी कि वो किस तरह से इन सीरीज को टैकल करते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो जिस तरह से गेम्स नहीं मिलते तो उसकी वजह से उन्हें इफेक्ट जरूर कर रहा है, अभी देखना होगा कि वो चीज़ उसे टैकल करते हैं। और सोमपाल करण काफी बेहतरियां करते हुए नजर हमें जरूर आ रहे हैं। जैसे हम अपने कंसिस्टेंसी की बात की तो वही मैं एग्जांपल के तौर पर जोड़ने वाला था कि आप देखिए वर्ल्ड कप में देखिए इंडिया न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें ऐसा लग रहा है कि फ्लॉलेस जा रहे हैं, काफी बेहतर खेल न्यूजीलैंड ने भी इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेल खेला, भले वो मैच हार गए लेकिन उन्होंने दिए अभी तक आज की डेट तक अगर हम बात करें, मान के चलिए ये दोनों टीमें बहुत खेल रही है सारे मैच जीत कर सेमीफाइनल क्रॉस कर गई, किसी ने 18 पॉइंट किसी ने 16 पॉइंट लिए या फिर 14 पॉइंट लेकर वो चले गए सेमीफाइनल में और ठीक सेमीफाइनल में जाकर उन्हें कंसिस्टेंसी उनकी रह गई और वो हार के चले गए, बताइए क्या फायदा हुआ इतने सारे मैच। 2019 ही उठा लीजिए, 2019 का 2015 का है तो ये सब चीजें हम बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को देख लीजिए जी हाँ T20 वर्ल्ड कप 2022 वो लगातार गए 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 और ठीक फाइनल में जाकर कहीं ना कहीं उनकी जो पेस अटैक है उन्होंने तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक मैच भी हो यहाँ तो फिर भी रीजनल फाइनल में आसानी है कि यहाँ पर सेमीफाइनल जीतते ही आपका डन हो, लेकिन बाकी जो आईसीसी इवेंट्स के जो कप होते हैं वो तो आपको फाइनल भी जीतना होता है, तो ये है कंसिस्टेंसी आपकी हर पूरे थ्रू द टूर्नामेंट बनी रहनी चाहिए, एक मैच के लिए भी इधर-उधर हुई तो शायद आपको मौका गवा दे, तो इसी की हम बात कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें एंड नेपाल से रिलेटेड जो आपके पास स्टैट है वो भी शेयर करना चाहेंगे, एवरेज नोट क्या है? बिल्कुल, 7 मैचेस नेपाल ने रिसेंटली खेले हैं T20 में, अभी अगर देखें एशियन गेम्स में 3 और यहाँ पर अभी सीरीज में 4 गेम खेले हैं, तो 56 विकेट नेपाल ने अब तक निकाले हैं अपोनेंट टीम के अपने, और इनका पर मैच एवरेज जो हो जाता है वो है पर मैच जी हाँ 8 का हो जाता है, 8 विकेट पर मैच ये निकाल रहे हैं जो कि ओमान से बहुत बेहतर है अगर हम देखें, क्योंकि आपको लग रहा होगा एक ऊपर है एक ही का फर्क है लेकिन ये विकेट का फर्क है, यहाँ पर बहुत मेंटली जो होता है ये बहुत ज़्यादा फर्क रहता है, 8 विकेट का यहाँ पर नेपाल पर मैच निकाल रहा है जो कि काफी अच्छा काम कर रहा है अगर हम रिसेंटली देखें। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई राय नहीं है, तो क्लियरली है यहाँ पर नेपाल की बात हमने यहाँ पर की, उसके बाद और क्या ये नेपाल का सबसे बेस्ट है 4 टीमों में एवरेज, ये आपको आगे जरूर पता चलेगा, कंटिन्यू बने रही है। यूएई की बात करते हैं, अब यूएई की अगर हम देखें यहाँ पर एंड सबसे पहले यूएई की जो बॉलिंग है, मैं जुनैद सिद्दीकी यहाँ पर आएंगे, रिजल फ्रांस की बात कर रहे हैं, जहूर खान यहाँ पर होंगे, एन अफजल खान यहाँ पर होंगे, ये 12 ओवर तो क्लियरली शॉर्ट आउट हमें नजर आने की, चलिए ये 12 ओवर ऐसा नहीं कि लोग एक्सपेंसिव नहीं जाते,
सभी जाते हैं, लेकिन पिछले मैच में करण गए, उससे पहले हमें आयुष शुक्ला एक मैच बहुत अच्छे खराब हुए नजर आए, हांगकांग के एक मैच में खराब चले गए, बिलाल खान भी ऐसा नहीं कभी जाते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इन पे बना रहता है, जिन पे बना रहे ये वो 12 ओवर यूएई के पास है, अयान अफजल खान, जुनैद सिद्दीकी और जहूर खान, ये 12 ओवर तो है। इसके अलावा आयन 8 ओवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, देखिए यंग के साथ जा रही है यूएई अभी फिलहाल, देखिए यंग के साथ इस बड़े टूर्नामेंट में अगर देखें तो रन एक विकेट वाली जो बात है वो थोड़ा सा हमें कम देखने को मिलेगी, बजाय उसके कि वो गलतियां ज़्यादा करें। जी हाँ, क्योंकि ये वही एज है जिस एज में ये सब प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर हमें मिस्टेक होती हुई चीज़ें ज़्यादा दिख सकती है। सही कहा, यंग कमर से ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि बड़े बड़े टूर्नामेंटों में अगर आप उन्हें लेके जाएंगे तो यंगस्टर्स से यही दिक्कत होगी कि वो गलतियाँ करें। अब आप उनकी गलतियों को कहेंगे कि यार तुम्हें यही जगह मिली है गलती करने के लिए, तो भाई आपने उन्हें बहुत जल्दी टीम में बुला लिया है, बहुत जल्दी उनका कॉल अप हो गया है। अब वो चमत्कार है कि हाँ होते हैं, 100 में से 10 जना या 5 जना ऐसे होते हैं जो एकदम यंग से ही चमक जाते हैं, स्टार बन जाते हैं और चलते ही रहते हैं बहुत बड़े, लेकिन बहुत अनगिनत ऐसे हैं जिनको वक्त लगता है। तो ये बाकी के जो ओवर है, आप 8 ओवर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिक्स नहीं है कि कौन क्या करेगा, जवादुल्ला क्या करेंगे, फराजुद्दीन जो स्पिनर है, अली नासिर है, वो क्या करेंगे, क्या वो अच्छा कराएंगे पूरे टूर्नामेंट में। भैया यहाँ एक मैच का सवाल नहीं है, ये अपने दिमाग में डालने की ज़रूरत है लोगों को और क्रिकेटर्स को भी सबको कि यार एक मैच में थोड़ी ना जीत कर कुछ हो जाएगा, यहाँ तो हमें सेमीफाइनल को जीतना है, बिल्कुल वहाँ तक अपनी जो एक रिदम है, एक स्पीड है वो बना के बरकरार रखनी है एक साथ, तो वो जरूरी है। वाइल्ड सीरीज में तो चलिए एक मैच चला, एक वो चला, हम जीत गए, हाँ हाँ ही, लेकिन टूर्नामेंट में भाई एक चल रहा है तो साथ साथ में सभी को रिदम में लगातार बने रहना, टीम परफॉर्मेंस वहाँ पर जरूरी जरूरी है। तो ये अपने आप को थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है यूएई के लिए कि क्या यंग कमर्स इतना मैच्योर परफॉर्मेंस दे पाएंगे कि क्या सामने वाली टीम को रेस्ट्रिक्ट करने में कामयाब रहे। देखिए इस सीरीज में ही जैसे हमने देखा किस तरीके से एक मैच में जवादुल्ला ने 2 विकेट निकाले, फिर अगले ही मैच में वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं अली नासिर। तो यार कंटिन्यूटी और एक रिदम में रहना वो कुछ सीनियर, और हाँ सीनियर प्लेयर वापसी बड़ी तगड़ी करते हैं उसी मैच में उसी की ओवर में वो वापसी करने में, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, लेकिन यंगस्टर्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो तुरंत उसी मैच में पिटे हों, 2 ओवर में 25 रन दे दिए और फिर अपने लास्ट के 2 ओवर में वो वापसी कर रहे हैं, बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा उनका मोराल डाउन हो जाता है उसी वक्त में कि यार क्या करें क्या ना करें। थोड़ा देखना होगा यूएई के कप्तान जो है मोहम्मद वसीम, वहाँ उनका तो खैर रोल बहुत बड़ा होगा यहाँ पर कि वो यंग प्लेयर को कैसे अपने साथ कॉन्फिडेंस में लेते हैं और उनसे बॉलिंग निकलवाते हैं। बिल्कुल, यहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा नेपाल टीम का, इससे मैं कंपेयर करूँगा, आप देखिए दीपेंद्र सिंह एरी, सोमपाल कामी और करण केसी और साथ साथ में संदीप लामिचाने, इन चारों का कितना बड़ा रोल रहा है अगर हम देखें लास्ट, अगर आप 3-4-5 सालों में अगर आप देखेंगे तो कितना बड़ा रोल रहा है, क्योंकि अपने साथ एक एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, ये कोई अभी के प्लेयर नहीं है, क्योंकि ये टीम के साथ कितने क्रुशियल मोमेंट्स पर इन 3-4 प्लेयरों ने कहीं ना कहीं अपने दम पर मैचेस जिताए हुए हैं, अपने दम पर ब्रेक थ्रूज दिलाए हुए हैं, अपने दम पर विकेट्स निकाले हुए हैं जहां पर बाकी बहुत स्ट्रगल करते हैं। आप साथ में लिए हुए हैं 11 में 3-4 हैं और फिर आपने 5-6 रखे हुए हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन रहता है, आपने पूरी की पूरी एक बड़े इवेंट की उतार दी, ये कहीं ना कहीं बड़े कंसर्न जरूर हो जाता है, और फिर आप कहते हैं कि हम लगातार खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक दौर से गुजर रहे हैं, वो इतने बड़े इवेंट्स पे दौर से गुजरना ये कहीं ना कहीं थोड़ा बीमार सकता है। इसीलिए चिराग सूरी का ने भी जो अपने बयान में कहा था वो बिल्कुल उनका सही कहा, उस पर हम भी कहीं ना कहीं एग्री करते हैं कि आप डेफिनेटली आप यंगस्टर्स को तैयार जरूर करें, लेकिन पूरी तरह से उन पर ढालना इस तरह से इवेंट्स पर आप एक्सपीरियंस और उनको साथ में लेकर चले तो बहुत बेहतर, इससे वो भी जल्दी सीखते हैं, ऐसे वो सीखेंगे जरूर लेकिन सीखने में अभी वक्त लग जाएगा, लेकिन यहीं पर अगर आप एक्सपीरियंस के साथ लेके जाएंगे तो सीखने में ज्यादा आसानी होगी। तो लेकिन वो 8 ओवर्स यहाँ पर यूएई के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाले भरे हो सकते हैं। अब यार इनके स्टैट्स के बारे में क्या ख्याल है, इनका पर विकेट क्या हाल है? जरूर 9 मैचों में इन्होंने 57 9 मैच जो खेले हैं यूएई ने रिसेंटली गल्फ क्रिकेट चैंपियनशिप में और अभी जो ट्राई सीरीज चल रही है इसके 3 मैचेस में, तो वहां पर 57 विकेट इन्होंने निकाले हैं अब तक और उसमें 6 का उनका पर मैच का एवरेज है, अगर विकेट देखें पर विकेट एवरेज उनका निकाले तो 6 का बैठता है, अगर हम देखेंगे 9 मैचेस में उन्होंने 57 विकेट निकाले हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो ओमान और नेपाल से भी लोएस्ट है अगर हम रिसेंटली देखें विकेट निकाले, आप देखिए खुद ही ये स्टैट्स ही कहीं ना कहीं बयान कर रहे हैं कि ओमान और नेपाल से भी वो पीछे चल रहे हैं इस बार विकेट चलने के लिहाज से अगर हम देखें, तो ये हाल है अभी तक। अगर हम जो रैंकिंग हम देखें तो सबसे ऑन विकेट एवरेज पर मैच तो नंबर 1 पे नेपाल होती है, सेकंड नंबर पर ओमान है बहुत ही क्लोज 7 के साथ, नेपाल 8
के साथ और अभी यूएई 6 के साथ है, लेकिन अभी देखना होगा कि हांगकांग का क्या हाल है। एंड हांगकांग की बॉलिंग सीधे सीधे लगातार हम देख रहे हैं मलेशिया टेस्ट सीरीज, एशियन गेम्स और इस सीरीज में, क्या कहेंगे आप कि उनकी बॉलिंग कितनी तैयार है रीजनल फाइनल्स के लिए, क्या प्रोज एंड कॉन्स? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए वहां तो प्रोज में सिर्फ एक ही है, एहसान खान, वही अगर कुछ कर पाए तो कर पाएंगे। नई बॉल से अगर 6 ओवर के अंदर उन्हें बॉलिंग देते हैं तो सामने वाली टीम के कुछ स्ट्राइक बैट्समैन का वो विकेट निकालने में कामयाब रह सकते हैं, और बीच में देते हैं तो शायद पुरानी बॉल से वो टर्न कराने में कामयाब हो सकते हैं। तो ज़रूर है, बस यहीं तक काम है उनका। टेस्ट फेस में वहाँ तक वो पहुँचेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इसी दो फेस के बॉलर हैं। या तो नई बॉल से बॉलिंग दे दीजिए या तो 7 से 15 ओवर तक की बॉलिंग दे दीजिए, उससे बाद तो आप या तो अपने मीडियम पेसरों को लाइए या कोई और स्पिनर है तो उनको लेकर आइए, वो ही कराएंगे। गजनफर हैं, यासीन मुर्तजा हैं और बाकी पेसर हैं। बाकी के जो 16 ओवर है यहाँ फिक्सअप नहीं है। आयुष शुक्ला, हारून अरशद, नसरुल्ला राणा तो मेरे ख्याल में है नहीं, ये यहाँ पर एजाज खान यहाँ आ जाते हैं, पर स्ट्रगल्स जारी है। आप इस सीरीज़ में आपने प्रैक्टिस के लिए रखा है, लेकिन एक अच्छा एक शो जो है बॉलिंग का, एक जो दिख हमें दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि हाँ बॉलर्स जो है वो कुछ अच्छे लाइन अच्छे लेंथ से या सामने वाले बैट्समैन को स्ट्रगल करा रहे हैं, ये हमें यहाँ पर नजर नहीं आया। बिल्कुल आया। और एक चीज़ और है कि लेंथ 5 मिनट के लिए रहती है, 5 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि हाँ बॉल अच्छी लेंथ पर डाल रहे हैं, अगला वो डालने आते हैं अचानक से लेंथ भूल जाते, बस बस कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। आप हेजलवुड को इसका एक एग्जाम्पल मान सकते हैं, किस तरीके से हेजलवुड ने T20 में अपना ट्रांसफर किया। देखिए उनकी लाइन जो रहती है एकदम टेस्ट की लाइन रहती है, चौथे स्टंप पे चिपकी हुई सी, बस वहीं पे वो अपने 4 के 4 ओवर चाहे पिटे तो पिटे। वो ज़्यादा तो हमें देखा नहीं है अभी एक साल में, अगर आप देखें इतना अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं वो, इतना पिटते हुए नहीं देखा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं वो चौथे स्टंप पे, टेस्ट मैच की लाइन जिसे हम कहते हैं। वो लाइन पकड़ना मीडियम पेसर्स के लिए इस टूर्नामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर कुछ आप सक्सेस करना चाहते हैं, स्लॉट में शॉर्ट बॉल पटकी हुई बॉल देंगे तो फिर सामने वाली टीम आपका बहुत फायदा उठाएगी, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो या यूएई। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कहीं ना कहीं बहुत उनके तो हांगकांग के लिए बाकी 16 ओवर्स ही कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि होता क्या है कि वो एक मोमेंट पर शुरू में 6 ओवर में आपको दिखेंगे बहुत अच्छी लेंथ और रिदम में है, बाकी 14 ओवर आपको लगेगा ही नहीं कि क्या ये वही बॉलर है जिन्होंने शुरू के 6 ओवर में इतनी बेहतरीन लेंथ रखी थी। ये सबसे बड़ा मसला हांगकांग की बॉलिंग के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि लाइन और लेंथ को पकड़ के चलने की बात, तो वो अगर आप इन 4 टीमों की बात करें तो आप सोमपाल और करण की जो स्पेल रहे हैं इस टाइम से सीरीज में उसको आप पकड़ कर देख सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने लाइन और लेंथ पर और जिस तरह से बॉडी के क्लोज और चौथे स्टंप के आसपास बॉल रखने की कोशिश की है, कुछ आप बॉलें भटके हैं। करण केसी इस गेम में जो लास्ट में गेम है वहां से वो भटके तो उनका जो परफॉर्मेंस रहा वो खराब हुआ, लेकिन सोमपाल स्टिक उसी पे बने हुए थे तो रिजल्ट उनके साथ, उन्होंने बिल्कुल बोल्ड भी मारा था जो पहला विकेट गिरा खालिद शाह को, और जो मोहम्मद वसीम को भी रखा था वो भी एकदम स्टंप के बासी पैरों के पैड में ही वो बॉल भी थी। तो ये कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें आप अपने जो टीम आप खेल रहे हैं उन्हीं से सीख सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर से कुछ सीख नहीं सकते, आप उस तरफ भी देख सकते हैं। तो एंड उनका एवरेज पर विकेट क्या हाल है? जरूर देखिए 10 मैचेस में जो उन्होंने खेले हैं, अभी मलेशिया के खिलाफ एक सीरीज खेली थी ट्राई सीरीज जहाँ PNG भी थी, उसके बाद वो एशियन गेम्स में गए, अब यहाँ पर आए हैं इस नेपाल ट्राई सीरीज में जहाँ 3 मैचेस खेल चुके हैं। तो 10 मैचेज में 72 विकेट हांगकांग ने निकाले हैं। अब आपको लगेगा कि वाह यार ये तो आपका तो स्टैट कुछ और कह रहा है, पर आपकी बातें तो कुछ और कह रही है, विकेट तो ये निकाल रहे हैं, 7 विकेट पर मैच का इनका बैठ रहा है, ये तो अच्छा है, अच्छा जा रहा है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि एक विकेट आपने लिया और दूसरा विकेट आपको कब मिला, इसमें गैप बहुत है जी हाँ। ये आपको और एक इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हांगकांग 5 या 6 विकेट में सामने वाली टीम में दम तोड़ चुका है जी हाँ। ये आप चाहे तो खुद जाके चेक कर लीजिएगा, या तो आप इसी स्टैट को मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5 या 6 विकेट मोस्टली हांगकांग जाकर सामने वाली टीम में निकाल पाया है और रुक गया है। और जैसे कि आयन आप कह रहे हैं कि उसमें दिक्कत एक चीज ये है, मान के चलिए 20 रन पर 2 विकेट सामने वाली टीम के गिरे हुए हैं, जी हाँ, जी हाँ, रही है, 20 पर 2 विकेट, उसके बाद 120 पर तीसरा गिरा, जरूर ये समझ लीजिए आप 120 पर तीसरा गिरा और वो ओवर हो गए 18 ओवर। अब सामने वाली टीम जो है वो बैठे बैठे वहां पर टेस्ट मैच तो खेलेगी नहीं, वो आखिरी के 12 गेंद में जो बल्ला घुमाना चालू करते हैं, फिर लगातार धीरे धीरे 2-2, 3-3, 4-4 विकेट गिर के ऐसा लगता है कि हाँ हांगकांग में 6 विकेट 7 विकेट गिरा दी। तो ये जो बीच का फर्क है ये बहुत बड़ा दिक्कत रहा है हांगकांग के लिए, और यही हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एट द एंड चारों टीम्स की बॉलिंग के लेकर आप क्या कहेंगे? और रैंकिंग डेफिनेटली नेपाल इस के हिसाब से स्टैट्स के हिसाब से नेपाल नंबर 1 पर 8 विकेट पर मैच
ऑन एवरेज, और उसके बाद ओमान 7 विकेट पर एवरेज क्योंकि इनका डिस्टेंस जो है वो कम है। उसके बाद हांगकांग 7 विकेट पर मैच, और लास्ट में यूएई 6 विकेट पर मैच का एवरेज इनका चल रहा है जब से उन्होंने T20 अभी रिसेंटली शुरू किए हैं प्रिपरेशन के लिहाज से। एंड लास्ट नोट पर आप क्या कहना चाहेंगे इन चार टीम्स के बॉलर्स? बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है, एक बात तो साफ समझ में आ गई है चारों के लिए ही कि 6 ओवर में जो मोस्ट विकेट लेगा वही मैच में आगे निकलेगा और मोस्ट ऑफ द टाइम वही मैच में कब्जा जमा के रखेगा जो 6 ओवर में पूरी, क्योंकि ये काफ़ी बैटिंग विकेट है, इतना तो साफ है काफ़ी ज़्यादा बैटिंग विकेट है और बहुत अच्छा विकेट है। बॉलिंग बॉलर भी यहाँ कामयाब हो रहे हैं, स्विंग मिल रहा है, स्पिनर न्यूट्रल विकेट कहेंगे तो ज़्यादा बैटिंग है। जी हाँ, बहुत अच्छा विकेट बनाते हैं जो भी बना रहे हैं, जिनकी भी मेहनत है बांग्लादेश के क्यूरेटर, वरना कुछ यहाँ तो वर्ल्ड कप चल रहा है लेकिन पाटा पाटा विकेट देखने को मिल रही है काफ़ी मैचेज में, तो खैर अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छा विकेट बनाते हैं सबके लिए वहाँ पर कुछ ना कुछ है, लेकिन बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर 6 ओवर में अगर जिस टीम ने काम कर दिया अपना, जिस बॉलिंग यूनिट ने, समझ लीजिए मैच में ऑन है, वो दूसरी टीम पे काफी हद तक पकड़ बना चुका है। बिल्कुल सही कहा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत क्रिशियल हो जाएगा इसमें में देखना, और इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 14 ओवरों में आप पूरी तरह से रन लुटाते हुए नजर आए, क्योंकि इसके बावजूद भी 14 ओवर बचेंगे जिसमें टीम वापसी कर सकती है, क्योंकि हमने देखा हांगकांग ने नेपाल के खिलाफ 11 रन पर 3 विकेट गिरा दिए थे फर्स्ट पावर प्ले में, लेकिन फिर भी टीम ने वापसी की। तो ऐसा नहीं कि वो 14 ओवर तो आपने छोड़ दिया, अरे 6 ओवर हमने कर लिया हम जीत गए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो बस एशियन इंडियन फाइनल्स की कवरेज जो इस वीडियो का कहीं ना कहीं यहीं तक था, और बाकी एशियन इंडियन फाइनल्स की कंप्लीट कवरेज और भी कई सारी वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, बात करेंगे। अब बारी आ गई है बात करने की बाकी चार टीम्स की, उनकी भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन उनकी भी है, कहाँ कोई क्या कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से वो तैयार नजर आ रहे हैं, बहरीन कुवैत कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं उनके लिए, सिंगापुर मलेशिया कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं ओमान नेपाल के लिए, और उधर यूएई हांगकांग के लिए, सारी डिस्कशन बनी रहेगी। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि बहुत ही देखिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर लगातार क्रिकेट आपके साथ बात करता रहता है। आप हमारी चीज़ों से सहमत हो या ना हो वो एक अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है, लेकिन ये तो आपको मानना होगा कि एशियन क्रिकेट की कंप्लीट कवरेज के लिए आपके पास कोई और प्लेटफॉर्म फिलहाल यूट्यूब पे नज़र नहीं आता, जिस तरीके के डेडिकेशन के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।